आप लोगों के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करें। एहसास ज़िम्मेदारी कैसे पैदा होगी? पहले तो मैंने आपको बताया इसका हल कि आपने जो कचरा फेंक रहा है, कचरा फेंकते हुए कोई फड़ा जाता है तो आपने क्या करना है, उसे सिम ब्लॉक कर देनी है 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए। तो लोग खुद जो है राय रास्ते पर आ जाएंगे और लोग कचरा फेंकना छोड़ देंगे, इवन के ट्रैफिक वायलेशन करना छोड़ देंगे। साथ साथ एक और चीज़ है कि आप एक ऐप बनाएं गवर्नमेंट ऑफ सिंध और उसमें वही कहें कि किसी भी एरिया में कहीं भी जो कचरा पड़ा है आप वो तस्वीर खींचे, तस्वीर खींचने के बाद वो अपलोड कर दें और जो भी कंसर्न डिपार्ट होगा वो उसको देख लेगा, कंसर्न यूनियन काउंसिल होगा वो देख लेगा। जितनी जल्दी कोई यूनियन काउंसिल काम करेगी जिसके ऊपर, उसको आप इंसेंटिव दें। देखिए हर चीज़ ना आप इंसेंटिव से वो कर दें। देखिए आजकल लोगों को सैलरी में गुजारा नहीं होता, इससे पहले कोई 2 नंबरी लोग करें हलाल के बदले हराम की तरफ जाए, तो आप इंसेंटिव दे देना यार, आप इंसेंटिव दें। आप टारगेट सेट कर देंगे, किसी ने तस्वीर अपलोड की, लेट्स सपोज मैंने तस्वीर ये अपलोड की सामने, सही है, जैसे मैंने तस्वीर अपलोड की है तो विद इन अ सेकेंड कौन इसके ऊपर इनिशिएटिव लेता है। एक आप बना दें थ्रेशोल्ड कि तस्वीर अपलोड होने के 10 मिनट बाद अगर कोई 10 मिनट के अंदर कोई ये चीज़ हल करवाता है तो उसका इंसेंटिव मिलेगा, इंसेंटिव अब लाखों में रख दें। लेकिन माने हर यूनियन काउंसिल वाला काम करेगा यार, हर सीट पर काम करेगा, हर इदारा काम करेगा। जो इंसेंटिव आप रखेंगे 10 लाख रुपये का, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, वो इस यूनियन काउंसिल के सब लोगों में बढ़ जाएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा, लोगों को डिजिटली आपको देखिए लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। मुझे अच्छी तरीके से याद है 1856 में सैयद अहमद ख़ान ने जो मुसलमान जबू हाली का शिकार थे उनको बेदार करने के लिए कलम की ताकत इस्तेमाल की। आजकल का दौर जो है वह है डिजिटल का, आजकल का दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आजकल का दौर ट्रांसफॉर्मेशन का है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का। तो लोगों को जागर करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को नींद से बेदार करने के लिए आपको डिजिटल का सहारा लेना पड़ेगा। आपको लोगों को मोटिवेट करने के लिए डिजिटल चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। आपने कैशबैक दे देना है कि यार आज जो है लेट्स सपोज करीमाबाद के मोहल्ले में फ्लैट लिए थे, फ्लैट में से एक फ्लैट वाले ने यार एक अच्छा काम किया है तो उसका 1 महीने का बिल माफ़ या इसकी इतने यूनिट गवर्नमेंट के खाते में। लेकिन माने यार इस तरह आप इनिशिएटिव दें। और मैं नहीं बोला गवर्नमेंट ऑफ सिंध अपने ऊपर ले भाई, बजट बहुत ज़्यादा मसले मसाले पैदा होते हैं, आप अपने से NGOs को मिलाएं ना। ये जो अली शिकारी जैसे लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं अच्छा, या जो तबानी वाले लोग हैं, या इकेडी वाले लोग हैं, या कामरान किशोरी साहब हैं, जो बांट रहे हैं, भाई आप लोगों को इसमें इंगेज करें। लेकिन माने लोगों का आदर जब वो दिखेगी ना, माहौल को चेंज होता हुआ, लोगों के रवैये चेंज होते हुए, तो लोग क्योंकि आधी टेंशन ये ख़त्म हो जाएगी। यकीन माने यार लोग अभी परेशान पता क्यों हैं? लोग परेशान बिजली के बिलों से नहीं हैं, लोग परेशान महंगाई से नहीं हैं, लोग परेशान हुकूमत के रवैये से। देखें माशरा जो बनता है ना, माशरा बनता है रवैयों से, और रवैये अगर लोग बुरे हो ना तो माशरा भी बिगाड़ की तरफ जाता है। तो आपको माशरे को सुधारने के लिए लोगों के रवैये चेंज करने पड़ेंगे, और लोगों के रवैये चेंज करने के लिए आपको पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ गवर्नमेंट लेवल पे। यकीन माने गवर्नमेंट लेवल पे आप इनिशिएटिव लें तो क्यों नहीं होगा। अभी आज से कुछ अर्से पहले FBI ने एक इनिशिएटिव लगाया था कि आप जो भी स्लिप लेते हैं POS वाली, सही, इसके आप 1 रुपये चार्ज करती है दुकानदार वाले, वो आप अगर FBI की वेबसाइट पर डाल देंगे तो लकी ड्रॉ होता था और उस पर फिर लोगों का इनाम निकलता था, तो लोग बड़ा पार्टिसिपेट करते थे। अभी वो उन्होंने जो है अपना कांदाजी रोक दी है, मगर क्या था, लोगों को आपने दिखाया ना यार, आप देखें कौम का रुझान जीतो पाकिस्तान की तरफ है, कौम का रुझान अल्लाह बख्शा आमिर लकी की तरफ था, बोल की तरफ था कि यार जहाज़ मिल रहा है, अपना TV मिल रहा है, तो बाइक मिल रही है, हालांकि बाइक मिलती नहीं है, पैसे मिल जाते हैं, या मिल जाती है तो 6 महीने लगते हैं। तो लोगों को इस तरफ लेके आना, जब लोग आप देख रहे हैं कि रुझान यही है, लोगों का रुझान यही है, तो क्यों ना आप इसी रुझान को लेते हुए लोगों की इसलाह करें। लेकिन माने बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजीज हैं, चीज़ें हैं, मसला ये है भाई हम हुकूमत में नहीं है, हमारे पास आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं, मगर कहते हैं ना कि हम किसी हुकूमत को करेंगे तो यहाँ ये होता है कि यार लोग कहते हैं कि यार हम तो भाई फ्रीलांसिंग करने के लिए तैयार हैं, कि हुकूमत को हम कैरियर वाले मशवरे, चीज़ें वाले मशवरे हम फ्री में देने के तैयार हैं यार, मगर मसला वही कि कोई कंसर्न डिपार्ट आके हमें अप्रोच करें। मसला यहाँ ये होता है ना कि आपने किसी पार्टी को अच्छा मशवरा दिया तो दूसरी पार्टी नाराज़ हो जाती है, दूसरी को दीजिए किसी नहीं, हम मैं चाहता हूँ कि यार मैं जो ब्यूरोक्रेट है ना उसको कोई मशवरा दूँ, ताकि वो तो बैठा हुआ है ना यार, हुकूमत चेंज होती रहती है, तो हमने किसी से दुश्मनी थोड़ी लेनी है भाई, हमें यहाँ रहना है, हमें आगे बढ़ना है, हम तो पाकिस्तान कौम को आगे ले जाना चाह रहे हैं ना, हम तो कराची के लोगों को आगे ले जाना चाह रहे हैं ना। अब कराची की कौम में सिर्फ भाजपा थोड़ी है, अब यहाँ कितने से पश्चिम भाई हैं हमारे जो यहाँ यहीं पहले यहीं पैदा हुए, यहीं के डोमिसाइल हैं, और डोमिसाइल के मसले मसाइल सिर्फ महाजिरों के साथ थोड़ी है, अब तो जो पठान है, जो सिंधी है, जो कराची के रहायशी है, जिनके पास कराची के डोमिसाइल हैं, वो भी परेशान है। तो हमें आगे ले जाने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, और इसलाह तनकीद भी हमें डिजिटल करनी पड़ेगी, इसलाह भी हमें डिजिटल करनी पड़ेगी, तनकीद बजाय तनकीद नहीं करनी पड़ेगी हमें।
तो ये मेरा एक रोड मैप है जो कि मैं